देखिए टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। हमने इसके पहले आपको आवाज़ आ रही ना, इसके पहले हमने बात की थी वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। जबकि पहले एरिया होना चाहिए फिर वॉल्यूम होना चाहिए भाई, पहले लेंथ निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे फिर वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन इसमें उल्टा लिया है तो क्या बताएं। वैसे भी अंग्रेज लोग उल्टे काम करते थे। आप अगर आपका नाम है, आपका क्या नाम है तो होना चाहिए योर व्हाट नेम इज, और पहले वो उल्टा करते व्हाट इज योर नेम। खैर छोड़िए, कहते हैं मान लिया एक सरफेस, एक कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई कर्व है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक्स का मान ए से लेकर के बी के बीच में है। ये रिवॉल्व करता है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक सॉलिड जनरेट करता है, और कह रहे हैं कि वी विश टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड ऑफ दिस जनरेटेड बाय दिस रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के द्वारा जो सरफेस जनरेट हुआ उसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, ये हमारा मोटो है, ठीक है। तो देखिए एरिया कैसे की जाएगी, नहीं वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। लिखा तो हमने क्या अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखो पहली बात, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता देते हैं, एरिया का मतलब सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। हाँ तो मेथड तो वही लगेगा ना, वहां वहां पूरा सॉलिड लेकर के हम वॉल्यूम निकालते थे भाई। जैसे कमरा आपका है, अब कमरे के अंदर का जो वैक्यूम है पूरा सब हम कैलकुलेट कर लें तो वॉल्यूम निकल आएगा, और केवल दीवारें हम कैलकुलेट करें तो वो एरिया निकल आएगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली समझिएगा भाई, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें, अभी हम टॉपिक नहीं बता रहे हैं, हम आपसे कहें ये वाला एक कर्व है और यहाँ से लेकर के, अभी बनाइएगा नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, वाई को भी घूम सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ माने कि ये मान लिया रेडियस आर है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा ना, अब एग्जैक्ट वही नहीं बन पाएगा, ऐसे बनेगा ना। तो ये जो आर वाला रेडियस लिया है ये किस शेप में घूमेगा, आर रेडियस में घूमेगा। तो आर रेडियस का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस, और हम इसकी हल्की सी ये इतनी लेंथ ले लें dl लेंथ, और लेंथ ऑफ आर का आपने क्या पढ़ी है, अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, ये पढ़ी ना आपने। भाई आपने पढ़ा कि मान लिया कोई कर्व ये है और ये दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस का फार्मूला मैं l मान लेता हूं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। क्या ये जो आपने लेंथ लिया है ये कर्व की लेंथ ली है, आप तो एक स्ट्रेट लेंथ ही वाली ले रहे हैं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, नहीं समझे। और जब इस पॉइंट को नजदीक लाना शुरू करोगे, ये दो पॉइंट बहुत 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 क्लोज हो जाएंगे, तो ये पूरा आर्क हो जाएगा भाई। जैसे मान लिया हम आपसे एक सर्कल ले लें और सर्कल के ये दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालें, तो आप कहेंगे भैया ये तो कॉर्ड की लंबाई आप निकाल रहे हो इस वाले फार्मूले से। लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत 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 नज़दीक होंगे तो आर्क और कॉर्ड सेम हो जाएगी ना, तो आर्क निकल आएगा। तो उसी को हमने पढ़ा कि इफ दीज पॉइंट्स आर वेरी 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 दैट क्लोज टू इच अदर, तो यही आपका dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर यहां पर dx स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस dy / dx का होल स्क्वायर, dx बाहर हो जाएगा,
और अगर आपने यहाँ से डी वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस डी एक्स वाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसा आ जाएगा, नहीं समझे? तो यानी कि मैं इसकी इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, यही तो सरफेस एरिया होती है भाई। मान लीजिए ये हम नहीं तो वो मैं बहुत 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 स्मॉल हमने विड्थ लिया ना, हम जो ये पोर्शन ले रहे हैं बहुत स्मॉल ले रहे हैं कि आर नहीं चेंज हो रहा है, फिर आगे अलग अलग चेंज करते रहेंगे, उठा के ऐड कर देंगे, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं, सिर्फ आर, जिस आर को हम ले रहे हैं इसका आर चेंज हो रहा है। हाँ, मैं आर की ही बात कर रहा हूँ, जिस हमने इस छोटे से लेंथ को लिया है, क्या इसका आर सेम होगा? नहीं होगा, होगा ना? तो मैंने केवल इतने की बात की है ना, और जब यहां से यहां तक बात करोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे ए से बी के बीच में। ये तो मैं प्रैक्टिकल अभी हमें ऐसे जनरली बता रहा हूं, अभी हम उसको प्रूफ कहां करा रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकला। अब अगर मैं यहां से डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता तो कोई और फॉर्मूला आएगा, और डी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता तो कोई और फॉर्मूला आएगा। तो सरफेस एरिया के दो फार्मूले हमें बताए गए, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? अभी क्वेश्चन हम बात करते हैं अभी हम, मतलब भाई कोई फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो फॉर्मूला कहां से आया? बुक में लिखा, अच्छी बात है, सो बेहतर है। तो यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ए टू बी टू पाई, और आर आपका वाई होता है। एक्चुअली आप जो कर्व ले रहे हो उसमें जो आर ले रहे हो वो वाई है ना, एनी पॉइंट है ना, वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं। तो टू पाई वाई और अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और अगर आपने यहां से डी वाई कॉमन ले लिया तो ये आएगा इंटीग्रल ए टू बी टू पाई एक्स हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। तो एक फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये बना। इसमें है कि व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस है, और ये है अबाउट वाई एक्सिस। पहले वाला रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस के अलांग, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस। तो फॉर्मूला समझ में आया? अब इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। ये तो हमने बस हवा में बात की कि भाई ये क्या है लफड़ा, इस लफड़े में हमको कौन कौन सा लफड़ा करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सपोज जो कर्व हमने लिया है वो कर्व कुछ ऐसा है, कर्व ये कुछ ऐसा है, ये है y इज द फंक्शन ऑफ x, और जब इसको x एक्सिस के अलांग रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, और कुल मिलाकर के कुछ ज्यादा बड़ा डायग्राम हो गया है, ये इस प्रकार से ये शेप हमको मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो आपका सरफेस है, मान लिया ए से बी तक का सरफेस है, इसको हमने बहुत स्मॉल टिनी पार्ट्स में डिकम्पोज कर लिया, तोड़ लिया हमने। क्यों? क्योंकि हर पार्ट का जो रेडियस अलग अलग होगा, तो हमने कहा इसका एक छोटा सा एक टिनी पार्ट हमने लिया, अब बहुत टिनी लेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ये टिनी पार्ट ले लिया और इसकी कुछ लेंथ ले ली, ठीक है। हमने कहा इसकी लेंथ हमने डीएल ले ली है, ठीक है, फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला पार्ट
ऐसे होगा, ये वाला पार्ट ऐसे होगा, यानी ये कुछ इस प्रकार से ये रोटेट होगा ऐसे। तो आपको एक छोटा सा फ्रस्टम दिखाई पड़ रहा है, फ्रस्टम का मतलब टुकड़ा होता है, फ्रस्टम का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। तो इस फ्रस्टम की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब मैं फ्रस्टम ड्रा करने जा रहा हूँ, अब मैं फ्रस्टम ड्रा कर रहा हूँ, फ्रस्टम भी ऐसे ही बनेगा, डीएल लेंथ देख लीजिएगा, हम इसका फ्रस्टम ड्रा करने जा रहे हैं। हमने कहा इसका एक फ्रस्टम लेते हैं, ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम मतलब जो डीएल लेंथ ली है उसकी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा है वो इसलिए अलग से ड्रा किया गया है। ये हमने एक छोटा सा फ्रस्टम लिया है, ये डीएल लिया है ना, और ये रिवॉल्व होकर के ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ये इतना फ्रस्टम लिया है हमने, ठीक है। यहां की रेडियस R1 है और यहां की रेडियस R2 है, ये कुछ बाल्टी टाइप का नहीं लग रहा है ऐसे, जैसे बकेट होती है ना, बकेट का ऊपर का पार्ट बड़ा है फिर पतला है। अच्छा, इसको अगर हम इसी स्लोप को आगे बढ़ाते जाएं तो कोन टाइप का नहीं बन जाएगा ये, अगर ऐसे ही जो स्लोप है ये कुछ ऐसे बना, नहीं ऐसे बना हुआ है, तो अगर इसको ऐसे बढ़ा दे तो कोन टाइप का बनेगा। मैं केवल इतने की पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो डीएल लेंथ हमने ली है, ठीक है, और इसकी हमने स्लैंट हाइट मान ली है डीएल, डीएल इसकी क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। और हमने मान लिया कि इसकी जो मीन रेडियस है वो ये मीन रेडियस है आर, हमने मान लिया आर इसकी मेन रेडियस है, आर क्या है इसकी मीन रेडियस। कैसे मिलेगी मीन रेडियस, R1 और R2 का एवरेज, यानी R1 प्लस R2 बाई 2। अब ये ठीक है, अब हमको R1 कैसे मिलेगा, कर्व में कहीं R1 तो दिया नहीं गया है। देखो अगर आप एक जनरल पॉइंट इसको मान लीजिए यहां पर x का मा वाई, तो क्या ये चीज y नहीं है, ये चीज, यानी अगर आप एक जनरल पॉइंट इस पर कर्व पर मान लीजिए x का मा वाई, तो क्या ये चीज y नहीं है R, मतलब जो R है वही y है और वही fx है, तो एक्चुअली भी जो R है वो fx हो गया जाकर के, ठीक है। अच्छा, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, स्लैंट हाइट समझिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में अंतर है कि नहीं अंतर है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो कुल मिलाकर के कुछ जरा ऐसा देखिए डायग्राम में, ऐसा कुछ देखिए, ऐसा ये अंतर इधर है, ये अंतर इधर है, दिख रहा है आपको, ये अंतर कितना हो गया dx का और ये अंतर कितना हो गया dy का, ये बहुत 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 स्मॉल अंतर है। तो क्या मैं स्लैंट हाइट जो dl मान रहा हूं वो अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर नहीं होगा स्लैंट हाइट। अच्छा, अगर हम आपसे कहें एरिया ऑफ फ्रस्टम जनरेटेड, एरिया ऑफ फ्रस्टम जनरेटेड, तो ये कोनिकल फ्रस्टम है, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो कोन शेप में आएगा, तो कोन का एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर एल है, पाई आर एल, ठीक है। और यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। भाई अब कोन एग्जैक्ट हम कोन बता देंगे तो आप कहोगे कोन कहां से तुमने घुसेड़ दिया जाकर के, तो यहां पर एरिया लगाएंगे सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, तो एरिया डीए इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर और थिकनेस आ जाएगी डीएल, क्यों जनरल एरिया का फॉर्मूला ये हमने लगा दिया, और ये है 2 पाई वाई और डीएल हो गया अंडर रूट डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर। अब आप चाहे तो यहां से डीएक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहे डीवाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आएगा 2 पाई वाई, हमने डीएक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया,
ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, हम यहां से डी वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, लिमिट वाई की भी लिखी जा सकती है, जबकि ये कर्व घूम किधर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में ही घूम रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब हम डी वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर वाई की लिमिट रखेंगे, लिमिट वाई की रखेंगे, लेकिन घूम किधर रहा है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन फिलहाल हम फिलहाल हम एक्स की लिमिट लिखेंगे। तो अगर हम टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्रस्ट, भाई देखो जैसे आपने ये फ्रस्टम एक टुकड़ा लिया था, ऐसे जो आपका पूरा कर्व था ये वाला, आपने ये वाला टुकड़ा लिया छोटा सा, ये बनाया है आपने, तो ऐसे बहुत सारे फ्रस्टम होंगे, सबको उठा के ऐड कर देंगे आप। तो अगर टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्रस्टम्स निकालना चाहें तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो टोटल एरिया ऑफ ऑल, हाँ क्या बता रहे हैं, नहीं फार्मूला तो यही होगा, लेकिन नहीं ये आपने तो इस छोटे से टुकड़े का निकाला है ना भाई, देखो ये जो आप, अच्छा मैं ऐसा कर्व ले रहा हूं ठीक है, और इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ये कर्व ऐसे घूम गया ठीक है। अब बताओ हर जगह का रेडियस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ये मान लिया यहां का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, मान लेते हैं, तो उस फ्रस्टम का ये एरिया निकाला है हमने, तो ऐसे दूसरा फ्रस्टम लेंगे, तीसरा फ्रस्टम लेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक जितने फ्रस्टम्स हैं सबको उठा के ऐड कर देंगे, और ऐड करने को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर ऐसे ही फ्रस्टम्स का एरिया हम ऐड कर दें तो वी गेट द एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, तो द टोटल एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ऑल सच फ्रस्टम्स। तो इसको अब ऐड किया तो इसी को आप टोटल एरिया, इसी को आप कहते हैं इंटीग्रल 2π y√1+dy/dx² dx, और लिमिट a से b हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, आप जरा समझने की कोशिश करो, आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस से इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, लिमिट आप किसकी ले रहे हो, x की लिमिट ले रहे हो। अच्छा अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a कामा a1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b कामा b1 है, तो x a से b तक चेंज हुआ है और y a1 से b1 चेंज हुआ है। आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप y को x के टर्म में लिखोगे और x की लिमिट रखोगे, और आप एज इट इज इस कर्व को घुमाते रहो, घुमाओ x के रेस्पेक्ट में ही, लेकिन आप कॉमन यहां से dy स्क्वायर ले लो तो यहां dy हो जाएगा, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तब y को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं घुमा x के रेस्पेक्ट में ही रहा हूं ठीक है। तो यही फार्मूला डिटो सेम यूज हो सकता है, रेवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस ही यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर dy आएगा और यहां y की लिमिट आ जाएगी ठीक है, और ये फार्मूला बन जाएगा y के रेस्पेक्ट वाला भी यही बन जाएगा। समझ में बात नहीं आई, तो तरीका समझ में आया कि नहीं आया, यानी आप इसमें लिख दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इफ दिस कर्व इज रोटेटेड अबाउट x एक्सिस, इफ दिस कर्व इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस देन द एरिया ऑफ फ्रस्टम्स विल बी, यहां पर लिमिट चेंज कर दो c से d, हम इसको a कॉमा c मान लेते हैं और b कॉमा d मान लेते हैं, c से d, और यहां पर 2π x लिखेंगे 1+dx/dy² dy, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो समझ में बात तो आ गई होगी कि टॉपिक का मकसद क्या है और टॉपिक का मतलब क्या है ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एकाध क्वेश्चंस ठीक है।